प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि लगभग 20% का आपको बाउंस आता हुआ दिखेगा। ये ट्रेड अभी आपके सामने प्री ओपन में है, देखते हैं कहां पर आपको आईपीओ खुलता हुआ दिखता है। देखिए 16% ऊपर 600 पर, बिल्कुल सही मौका है। इस शानदार तेजी में अपने मित्र श्री भसीन साहब का स्वागत करते हैं। संजीव जी स्वागत है गुड़गांव से आपका, बताइए कैसी ठंड चल रही है दिल्ली में, लेकिन चौतरफा गर्मी तो आपको बाजार में ही दिख रही है, क्या राय इस ओपन? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। तो सर आपको दिख ही रहा है न्यू हाईज अब हो गए हैं, उसमें मैंने आपको कहा था इस हफ्ते में वी विल डेफिनेटली कम बैक टू दैट 14700 वी हैव। सो आई थिंक द बजट इज अ एक्स्ट्रा कैटलिस्ट जो इंडिया को आउट परफॉर्म करा रहा है, और अब कोई दो राय नहीं है कि जहां भी डिप मिले आप लेने की चेष्टा कीजिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में। आज जो दो तीन दिन से मैं आपको कह रहा था लैग होएगा, आज फार्मा एंड आईटी आर आउट परफॉर्मिंग, और इस कारण से आप कहें तो मैं कल का भी अपडेट दूं और आज के लिए भी कॉल दूं। सर प्लीज प्लीज। तो वीरिंदर जी कल मैंने आपको दिया था वेदांता 73.5 वो 76.5 ही हो गया, ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट, उसका भाव अभी भी 185 का दिखता है। कल मैंने आपको मदरसन सुमी 155 पे कहा था, 161 बिक गया, 170 का टारगेट है, ट्रेडर कैन बुक। देखिए वीरिंदर जी, एक ट्रेडर है जिसको 3% कमाना है और इन्वेस्टर है जिसको 10% कमाना है, बोथ द पर्सन हैव टू सी देयर वायबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू बोथ दिस कॉल्स। आई हैड गिवन यू कैन बैंक एट 144, इट हिट अ हाई ऑफ 153, 7.5% रिटर्न, ये 1 बजे में दिया था। उसके साथ मैंने आपको दिया था लूपिन 1015-20 में 1078 हो गया, और रिलायंस 1975 आपको क्लोजिंग बेल में 3 बजे दिया था अगर आपको याद है। अब आप कहें तो 2 बायस है, और एक अपडेट दूंगा, आज एक शेयर है न्यूलैंड, उसका न्यूलैंड लेबोरेटरीज का रिजल्ट फिनोमिनल आया है, 13% से 19% का मार्जिन। न्यूलैंड इज अ वेरी बिग प्लेयर इन दी एपीआई आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, और न्यूलैंड से 10 गुना बड़ा होएगा डीवीज लैब, जिसके रिजल्ट सैटरडे को है। तो मुझे कोई दौर आए नहीं, मैंने रिकमेंड किया था डीवीज इज हेडेड टू 4000 एंड बियॉन्ड, अगर आप हैं तो बने रहिए और एट दिस स्टॉक। अब मेरे पे 2 बायस हैं, अगेन क्वालिटी स्टॉक फार्मा एंड एफएमसीजी, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी हां प्लीज सर, कैरी ऑन सर, आपके दो ट्रेड्स। देखिए सर, बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है कि देर इज नो सिन टैक्स, और मुझे लगता है आईटीसी का जो होटल ओपनिंग है, जैसे आपने री रेटिंग इंडियन होटल की देखी है, 10% ऑफ आईटीसी रेवेन्यूज इन द होटल्स दे हैव, देयर द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज पैन इंडिया विद 8,500 रूम्स, एंड आई थिंक आईटीसी नाउ शुड बी री रेटेड। तो दिस इज द टाइम टू बाय द क्वालिटी स्टॉक, 17.5-18-19 में भाव लीजिए, इसमें 13 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 230 का न्यू हाई इसमें आपको दिख जाएगा। दूसरा बाय होगा कैडिला हेल्थ केयर, अगेन I am very bullish on pharma. Cadila has come out with brilliant numbers. It is also the proxy with Pfizer for, you know, the enhancement of the drug. So 478 to 480 में लीजिए, 470 का stop loss, 510 का target. चलिए ये राय आपको कैडिला हेल्थ केयर पर आती हुई दिख रही है। भसीन साहब, मैं आपसे एक राय और लेना चाहूंगा। आपने कुछ समय पहले TCS पर एक लॉन्ग कॉल दिया था और वो फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीन पर चहकता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पसंदीदा काउंटर आईटी स्पेस में जहां पर आप अपनी लॉन्ग साइड पर मोहर लगाएंगे, तेजी आज देखते ही बनती है। हाँ बहुत अच्छा, आपने थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग। देखिए 4 शेयर मैंने आपको 3 दिन पहले गए थे जब बाजार बहुत 19-20 था, डीवीज लैब और सन फार्मा, मैं आपको कह सकता हूँ इस साल में 30%, सन फार्मा 750 का भाव दिखा दूंगा आपको, और डीवीज लैब में 4500, और HCL टेक मेरे को 1200 का भाव है, और TCS 4000 का भाव, ये टाइप का टारगेट्स है इन शेयरों में। यू कैन नॉट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज, HCL टेक के नंबर्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग आर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट, सो यू शुड यूज शिफ्ट to buy both all these 4 shares. चलिए भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी कमेंट्री सुनकर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो गजब का होता है। और उम्मीद करते हैं आपका आज का पूरा दिन काफी शुभ रहेगा। फिर मुलाकात करेंगे 3 बजे आपसे, लेकिन एक बार आप इंडेक्स लेके आइए। सुबह अप्रोच क्या थी, खुलते ही नहीं खरीदना है, वेट फॉर डिप। कहां तक का? 14528 के ऊपर का डिप, उसके बाद एक डिप आया टुवर्ड्स 560-570। अब याद रखिए हम डे हाई पर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल डे हाई, नॉट ए गैप अप, प्रैक्टिकल डे हाई पर आ रहे हैं। अब हमें नजर रखनी है 740 और 734, अगर हम इस जोन को पार करते हैं तो और ऊपर की तरफ जाएंगे। अब आते हैं RBL पे, विद इन द बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। RBL पोस्ट इंडसइंड बैंक, जो कि अच्छा करता हुआ
ये अब कर रहा है 251 पे ट्रेड। आशीष, शानदार चार्ट, शानदार कैंडल, कैसे चेज करेंगे आप इस स्टॉक को? अब देखिए, एक बहुत लंबी गिरावट के बाद वीकली चार्ट्स पर पहला रिवर्सल आपको आरबीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है क्योंकि फ्रेश एक ब्रेकआउट अभी 251 के ऊपर हुआ है, तो 247 का ही एक छोटा स्टॉप यहां रखना चाहिए। मेरे हिसाब से 265 तक की जगह आपको आरबीएल बैंक के स्टॉक के अंदर में आराम से देखने को नजर आ जाएगी। दूसरा, जो शैल जी ने आईटी की बात की, मैं समझता हूँ वापस से लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है वो बहुत ही सस्टेनेबल नजर आ रहा है, मुझे लगता है पुराने ऑल टाइम हाई जो है करीब 4490-4500 के, वहां तक के इस स्टॉक में जगह बनती हुई नजर आ रही, तो एक 10% का मूव मैं समझता हूँ लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। चलिए, ये राय आपको एलएनटी इन्फोटेक पर आती हुई दिखी, लेकिन बिल्कुल सही मौका है वीरेन जी, एक फंडामेंटल व्यू